नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 22 सितंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। UPSC और अदर स्टेट PC एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए ये हमारे पेड ग्रुप्स है, इन दो नंबर्स पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं 8564880530 9696060689 पर। वह जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसमें इंस्टाग्राम हो चाहे टेलीग्राम, इस पर आप लोग ये ओनली करंट अफेयर और स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज इस टाइप करके, ये फ्री चैनल्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन, पेड PDF जो है उसकी पिक्स भी फ्री में मिलती है। ठीक है, आज के जो हमारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ये वाले हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी फॉर पावर रिलेटेड स्कीम, कई सारी स्कीमें चलती हैं। अब मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ग्राउंड लेवल पर जो कि डिस्ट्रिक्ट उसको माना गया है, जो भी स्कीम आ रही है तो उसको कैसे कार्यान्वित अच्छी तरीके से किया जा सके, उसके लिए पहले देखेंगे सारी चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अमेरिका का नया COVID-19 नियम, ठीक, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट है ये, हालांकि 2023 मार्च में पूरा होगा। समुद्री खीरा या फिर सी कुकम्बर, ठीक है ना, इसको देखेंगे, एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और विष्णु ऑनिक्स, ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक अच्छा टॉपिक है आज का। पहला टॉपिक देखिए चालू कर देते हैं, मेन बातें देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, विद्युत संबंधी सभी योजनाओं के लिए जिला स्तरीय समितियाँ बनाई जाएंगी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कंटेक्स्ट संदर्भ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है केंद्र का, उसने ये ऑर्डर दिया है, समझ रहे, ऑर्डर दिया है ताकि बोलो स्टेट में, कई सारी स्टेट में केंद्र वाली सरकार की बजाय दूसरी सरकारें भी है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री जो पावर की उसने ऑर्डर दिया कि आप लोग हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति एक बनाओ जो कि जो है ओवरसाइट रखेगी, निगरानी रखेगी जो भी पावर रिलेटेड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है, ठीक, और साथ ही साथ ये भी देखेगी कि इन स्कीम का क्या प्रभाव उनके प्रावधानों का पड़ रहा है सर्विस देने में उनके हमारे लोगों के ऊपर। निगरानी रखो, प्रभाव भी देखो, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जो है ये किसको इसको दिया गया, चीफ सेक्रेटरी और सबको दिया गया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की, और उसमें कहा गया कि आपका डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी बनाई है, ठीक। इसमें इन्होंने कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीटिंग होगी, मिनट लिखे जाएंगे, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कन्वेनर की एंड मेंबर सेक्रेटरी की। मेंबर सेक्रेटरी जो है जिला का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो होंगे, और ये मीटिंग करवाने का, रेगुलर बेसिस कराने का और टाइमली मिनट लिखने का, ये सारे काम जिम्मेदारी किसकी है, कन्वेनर और मेंबर सेक्रेटरी। मेंबर सेक्रेटरी कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, DM, ठीक। और ये जो है इनका इन्वॉल्वमेंट पीपल का भी होगा, इसमें लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ओवरसाइट निगरानी रखने में और सारी चीज़ें, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स सुधार जो हो रहे हैं उसमें भी, और इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है ये सब में भी लोगों का भी जो है एक तरीके से साझा किया जाएगा, साझेदार बनाया जाएगा। इसकी जो संरचना है कमेटी की, उसमें जो मोस्ट सीनियर MP होंगे, सांसद होंगे डिस्ट्रिक्ट के, वो चेयरपर्सन होंगे, और जो कोई और सांसद होंगे डिस्ट्रिक्ट में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में दो लोकसभाएं होती हैं अगर आपने देखा होगा तो वहाँ की, इसीलिए इसको ऐसा दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे ये डिस्ट्रिक्ट में तो एक ही लोकसभा होती है, नहीं, कई में दो भी होती हैं, ठीक। और तो वहाँ पे को चेयर पर्सन बन जाएंगे और जो सांसद हैं, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे, ठीक है, और चेयरपर्सन प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो मेंबर बनेंगे, MLA जो डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो भी मेंबर बनेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर में ये कहा गया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप लोग 3 महीने में कम से कम एक बार मिलिए, बैठिए, बात समीक्षा करिए, और सारे जो भी है समन्वय बैठाते हुए ओवरऑल जो क्या डेवलपमेंट विकास हो रहा है पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको देखिए, स्कीम के लिए सारी चीज़ें
आप लोग को निगरानी और उसका प्रभाव देखिए, इसमें कई सारे पहलू हैं। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उनके बारे में ये कहा गया है, उनकी क्या प्रगति चल रही है और क्या उनकी गुणवत्ता है स्कीम्स की, उसके बारे में बताना होगा इस समिति को। सब ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क जो होता है, केवल देखा होगा आपने तार इधर से उधर ऊँचे जाते हैं ना, 11,000 वोल्ट की है, खतरनाक वो खोपड़ी बनी रहती है खतरे वाली, वो सारी चीज़ें, तो उसमें कैसा ऑपरेशन संचालन चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, ये सब भी देखना है। इम्पैक्ट कैसा चल पड़ रहा है, प्रभाव वर्क का क्वालिटी पर, पावर सप्लाई और रिलायबिलिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं कि बिजली आती नहीं है, जैसे अब तो काफ़ी सुधर गया, पहले क्या होता था कि अरे दिन की बिजली चल रही है, रात की चल रही है, गाँव में तो आज भी चलता है, ठीक है। अब तो ये चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस कैसा है, स्टैंडर्ड उसके मानक, सर्विस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर कोई ग्रीवांस है कंप्लेंट है तो उसको सुधारो, और भी जो भी प्रासंगिक मुद्दे हैं उनको आगे देखने के कार्य होगा समिति का। कुछ और भी जो इनिशिएटिव्स हैं सरकार के वो हैं, जैसे कि कई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, जैसे कि पिछले 5 सालों में 2,00,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है केंद्र गवर्नमेंट ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी गई थी। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन क्षेत्रों में, फिर आ गई अब कौन सी स्कीम, सौभाग्य स्कीम, जिसमें कि दोनों को ही जोड़ के था, अर्बन और ग्रामीण दोनों का, ठीक। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक, एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस की बात करी गई थी कि हर विलेज में, हर हेमलेट में, हर हाउस होल्ड में बिजली पहुँचे, और ये सारे काम भी केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं। रिसेंटली अभी जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव की है नई स्कीम जिसमें 3,00,000 करोड़ की बात करी गई है पैसे की, कि ताकि वो मजबूत करेगा जो भी हमारा वितरण सिस्टम है उन सबको, और जहाँ भी जरूरी होगा वहाँ पे आधुनिकरण भी किया जाएगा और चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको भी निवारण किया जाएगा, उनको भी ढंग से टैकल किया जाएगा, ठीक। तो ये तो हमारी स्कीम हो गई कि इसकी, अब देखो जो ऊपर वाला टॉपिक था उसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन वहाँ पे मतलब मीटिंग कराएगा अरेंज, ठीक, तो मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, कौन चेयर, उसकी जो कंपोजिशन थी, ठीक, और मीटिंग कब कब कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 से 3 मंथ्स, ये वाले जो है ना ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा उसमें से, ठीक। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बन रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड है, ठीक, इस तरीके से तो नहीं बात। अगला जो हमारा टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अमेरिका का नया COVID-19 नियम। अब देखो बिडेन ने काफ़ी, अभी तक क्या चल रहा था अमेरिका में, बड़ा हौच पौच मचा हुआ था, कहीं से किसी को समझ में नहीं आया था, काफ़ी डाउट्स थे कि इमिग्रेशन मतलब US का नागरिक है तो आने में, और अगर नहीं है तो कब कैसे आना है, वैक्सीनेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कितने दिन क्वारंटाइन रहेंगे, क्या प्रावधान है इसमें, काफ़ी जो है डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे जो भी US के, भले US के नागरिक हो या फिर US के ना नागरिक हो, कोई और बाहर के लोग भी हैं। तो बिडेन ने क्या किया है कि चाहे अमेरिका के हों चाहे नॉन सिटीजन्स हों अमेरिका के हों, अब सबको एक समान तरीके से अगर US में आना है तो एक समान तरीके से पॉलिसी कर दी गई इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए। सिंपल सी बात कही गई है, हौच पौच जो है कन्फ्यूजिंग रिस्ट्रिक्शन को जो है हटा दिया गया है यहाँ पर। अब इन्होंने ये कहा है जो भी ऑल एडल्ट फॉरेन नेशनल जो भी US में आना चाहते हैं वो फुली वैक्सीनेट हो जाए और अपनी फ्लाइट पकड़ने से पहले US के लिए, ठीक, तो ये नेसेसरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसके अलावा जो है रिक्वायरमेंट जो थी कि भैया COVID-19 के नेगेटिव की रिपोर्ट आपको देनी है 72 घंटे, 3 दिन के अंदर मतलब होनी चाहिए, मान लीजिए परसों आपको जाना तो आज ये करा लो रिपोर्ट, ठीक है, तो 72 घंटे के अंदर नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए उनको और वैक्सीनेशन की भी चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट वो सब जो है, और तो आपको आराम से जा सकते हो आप US में, ठीक है। वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट जो है कंट्री स्पेसिफिक पहले थी, अलग अलग थी, यूनाइटेड किंगडम के लिए अलग थी, ये सब कुछ हटाकर अब ये सिंपल ऊपर वाली जो लाइन बताई वो हो गया है, ठीक। मैपिंग जरूर करिए, मैप में डाल रहा हूँ ताकि मैपिंग करिए, मैपिंग से क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक। हाउ डज दिस अफेक्ट अमेरिकन्स, अमेरिकन्स जो है फुली वैक्सीनेटेड अमेरिकन जो है उनको खाली तो उनके पास तो सर्टिफिकेट हो गई, खाली ये निगेटिव COVID-19 वाली रिपोर्ट लगानी होगी 72 घंटे के अंदर वाली, और जो लोग अमेरिकन नहीं है मतलब अनवैक्सीनेटेड अमेरिकन है जिनको अभी टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो भी आ सकते हैं US में, लेकिन उनको टफर टेस्टिंग और थोड़ा सा ट्रेसिंग प्रोटोकॉल ज़्यादा करने पड़ेंगे। आने के बाद 24 घंटे के अंतर्गत उनको जो है टेस्ट वेस्ट कराना पड़ेगा, ये सब चार चीज़ें, ठीक।
कोविड 19 वैक्सीन कौन कौन सी एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। जो यूएस का सीडीसी है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने ये कहा है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो भी वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज़ वाला दे रखा है लाइसेंस, वो सब हम जो है सब करेंगे, जैसे कि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन और एस्ट्राजेनेका, छः हैं। मैंने आप लोग को उस दिन पूछा था, फिर कमेंट करके बताइए छः कौन कौन सी, ठीक है, या फिर बढ़ गई हैं तो भी बताइए। डब्ल्यूएचओ के द्वारा कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिनको इमरजेंसी यूज़ लाइसेंस दिया गया है, ठीक। उस दिन हमने किया था ना, जब कोवैक्सीन के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इंडिया वाले ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए बात होनी थी। हाउ विल दिस अफेक्ट द ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करेगा? देखो, अभी तक ये यूएसए ने ऐसे नहीं किया है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि जब फॉरेन नेशनल्स जाते हैं यूएसए में, या फिर इंडिया में भी फॉरेन नेशनल्स आते हैं, तो वो भी एक तरीके का एक्सपोर्ट होता है, समझ में आई बात, ठीक है ना, वो एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ पे, वो लोग आते हैं पैसा खर्च करते हैं, तो वो सब करीबन जो है यहाँ पे $175 बिलियन का नुकसान हो रहा था, इसीलिए ये सारी चीज़ें इन्होंने आसान बनाई है, ठीक, पैसा इन्वॉल्व है पीछे। मौजूदा प्रतिबंधों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कैसे प्रभावित होगी? देखिए, अमेरिकन्स के लिए तो ईजी है कि यूरोप में चले जाएँ, लेकिन यूरोप से अमेरिका में आने में दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत हुई थी, लेकिन अब जो है काफ़ी, मतलब कम दिक्कत होगी, अब बिजनेस कई बहुत ज़्यादा यूरोप से आता है यूएसए में, तो अब ये वाले जो नए प्रावधान जो किए गए हैं, उसकी वजह से यूरोप से भी लोग आसानी से आ सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे और अपना बिजनेस विजनेस। अच्छा, पहले एक चीज़ और भी थी कि यूरोप से अगर कोई आ रहा तो उसको ये दिखाना पड़ता था कि कैसे यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में आप जो है ट्रैवल जो कर रहे हो, तो यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में है, मतलब वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, और एक तरीके से ये भी दिखता है कि यूएस कितना ज़्यादा रियलिस्ट है। वो कह रहा है कि अगर आप हमारे यहाँ आ रहे हो तो ये यूएस के राष्ट्रीय हित में कैसे है ये बताओ, ये भी आप ही को बताना है, तभी हम आपको आनंद देंगे। तो इससे दो चीज़ें दिखती हैं, एक तो भैया स्ट्रिक्ट है, और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा है, ठीक। ये चीज़ें जीएस पेपर 3 से, दुनिया का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अब ये जो है, अभी हमारे जो नितिन गडकरी जी जो है मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के, इन्होंने इस पर 2 दिन का समीक्षा करी थी, 2 दिन लगे इसको, 1380 किलोमीटर लंबा है ये, दिल्ली से मुंबई 8 लेन का है, समझ में आ रही बात, 8 लेन समझना, जैसे ये मान लो बीच में डिवाइडर है, इसमें फूल पत्ती वो सब लगे हुए हैं, पेड़ वेड़, तो एक, ठीक, इसमें ट्रक आसानी से निकल जाए, 2, 3 और 4, ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, 1, 2, 3, 4, ये हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हुई 8 लेन, ठीक, ये आपका ये तो बीच में वो है। अब जितना जो है किनारे जाओ, जितना करीब आओगे इसके बीच में आओगे ऐसे, उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी, 120 किलोमीटर तक की स्पीड में इसमें चल सकते हैं कार्स, और जितने भी बड़े वाहन हैं वो इधर चलेंगे, ठीक है, और ओवरटेक करना है तो हमेशा राइट से करिए, ये सब प्रावधान होते हैं। और यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे है ये, इसको आगे कहा जा रहा है कि भैया 14 लेन का भी बना सकते हैं, मतलब इसमें और हो जाएंगे 7-7 लेन, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे देश की इकोनॉमी को भी प्रोपेल करेगा। 12 घंटे, अभी 24 घंटे लगते हैं टाइम, 12 घंटे तक टाइम जो है वो कम हो जाएगा ट्रेवल करने के लिए दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा जो है रोज़गार मिलने की जो वो है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है इन्वायरमेंट का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है, ठीक। टाइम कम हो रहा है तो तेल कम लगेगा, ऑयल कम लगेगा तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ठीक। पेड़ पौधे इसमें लगाए जा रहे हैं, जैसे इसके जैसे यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है ये, ठीक, तो इसके किनारे किनारे पेड़ पौधे, यहाँ पे भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे बीच में भी, ठीक। और वे साइड जो है एमिनिटीज़ भी दी जाएंगी, टॉयलेट, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें भी रहेंगी, भाई इतना लंबा एक्सप्रेस वे है तो ये सब तो जरूरी नहीं, तो लोग रोड पर ही चले जाएंगे, है ना, तो ये चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली। अभी इसके और भी फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, गडकरी जी ने यहाँ पे टूर किया दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और 2 दिन तक
और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए तक का लगा है, मार्च 2023 में कंप्लीट होगा। अब जो जर्नी है वो 12-12.5 घंटे की रह जाएगी, पहले 24 घंटे की होती थी, 1380 किलोमीटर की 8 लेन की, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपका ये जो लाइन जा रही ना, ये है अब नई वाली, ठीक। पहले जैसे हम लोग क्या करते थे कि दिल्ली से आगरा तक गए, आगरा से फिर ये ग्वालियर, ग्वालियर से इंदौर, फिर ये जाते थे, या फिर जयपुर वाली 48 ये नेशनल हाईवे है तो इसको पकड़ के जयपुर वाली पकड़ते हुए अहमदाबाद आते थे। लेकिन अभी क्या है, ये वाली बना दी गई है, दिल्ली से दौसा, कोटा, आपका ये दहोड़, वडोदरा, सूरत और मुंबई, ठीक। सोना, दौसा और वडोदरा होते हुए जाएगा, 8 लेन का है, हाँ 14 नहीं 12 लेन तक और किया सकता है। स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, जनवरी 2023 तक की डेडलाइन है, मार्च तक बोल रहे हैं, और 150 किलोमीटर तक कम डिस्टेंस हो जाएगी और 12 घंटे में ट्रेवल कर सकते हैं आप, ठीक। और कई जगह जो है इन्वायरमेंट का भी मैं बताता हूँ, बड़ा यूनिक सा इसमें वो दे रखा है, ठीक है। और इसमें जो कहाँ कहाँ से पास थ्रू होगा, देखो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, याद कर लेना, हो सकता है इसमें बीच में दे दे यूपी, तो नहीं यूपी नहीं आ रहा है, आपका हरियाणा आ रहा है, ठीक, हरियाणा आ रहा है, फिर राजस्थान आ रहा है, फिर आपका MP आ रहा है, फिर आपका जो है गुजरात आ रहा है, फिर आपका महाराष्ट्र आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखने का। और इसमें डू नॉट डिस्टर्ब, सॉरी DND फ्लाईवे होगा, सोना तक रहेगा, और आपका ये सारी चीज़ें हैं इसमें। देखिए इसमें कंप्लीशन शेड्यूल जो है वो तो खैर मार्च 2023 तक का है, और कई सारी कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, जयपुर, आपका किशनगढ़, अजमेर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, ये ठीक है, इट्स ओके। और हाँ, जैसे मुंबई जो है वो तो आपका वहाँ पे तो जो है पानी वाले जहाज आ जाते हैं, लेकिन दिल्ली को बोला जाता है, दिल्ली से पहले खुर्जा, ये सारी जगह हैं तो उनको बोला जाता है ड्राई पोर्ट, वहाँ पे भी जो है ये ट्रकों से आपने देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं, तो ये यहाँ से एक तरीके से ये बन जाने की वजह से जो कंटेनर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ तक जा सकते हैं। और आगे इसी पे आपने देखा होगा कि फ्रेट कॉरिडोर भी बन रहा है, फ्रेट कॉरिडोर रेलवे से संबंधित होगा, वो जो है आसानी से ये भी पहुँचा देगा दिल्ली, एक जो ड्राई पोर्ट है वहाँ पर सामान अच्छे से पहुँच सके। जैसे आपने उन्होंने पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स अपना जो रेलवे उन्होंने बनाई थी उसमें जा उनका फोकस ये था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के अपने कमर्शियल इंटरेस्ट है ना वो पूरे हो सके, तो उन्होंने भी उसी तरह हिसाब से हम लोग भी अब भारत के देश के अपनी उन्नति के लिए जो है ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक, सोने आगे बात। तो यहाँ पर जो है एयरपोर्ट को भी जो है बढ़िया मौका मिलेगा कि एक्सप्रेस वे से बेनिफिट होगा, जेवर एयरपोर्ट हो जाए और इधर मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाए, ठीक। की फीचर्स जो हैं एक्सप्रेस वे के वो समझ लेते हैं, 12 लेन तक इसको बढ़ाया जा सकता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है ट्रैफिक का तो, और साइड वाली एमिनिटीज़ में रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, फूड, टॉयलेट, ये सब कुछ है, हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस भी होगा, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए हेलीकॉप्टर से बचाया जाएगा, ठीक है ना। और 2 मिलियन ट्री इसमें लगाए जाएंगे, करीबन 20 लाख ट्री और हाईवे के आसपास। इसमें एशिया का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे होगा और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जिसमें कि आपका जो है जैसे ये रोड जा रही है तो इसके ऊपर से जो है आपका एनिमल्स आसानी से ओवरपास बनेगा, ऊपर से चले जा सकते होंगे, ठीक, ताकि वाइल्ड लाइफ का जो कई सारे होते हैं ना एलिफेंट कॉरिडोर होते हैं तो वाइल्ड लाइफ में उनकी जो आवाजाही वो बाधित ना हो। और कई सारे देखो ये सेंचुरी के बारे में जो पढ़ना, 8 लेन टनल भी बनेगी, 4 किलोमीटर लंबी, मुकुंदरा जो सेंचुरी है उसके नीचे से, मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, ये सेंचुरी है तो इसके नीचे से 8 लेन की जो है यहाँ से टनल बना के, गुफा बना के, सुरंग बना के निकल जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से माथेरन जो है इको सेंसिटिव जोन जो है वहाँ पे भी 8 लेन का 4 किलोमीटर लंबर का ये बना है। तो इन्वायरमेंट को देख रहे हो, यही चीज़ होती है कि इन्वॉल्विंग ये जो डेवलपमेंट है उसमें इन्वायरमेंट को भी जोड़ा जा रहा है, ठीक। CO2 एमिशन कम होगा और स्टील बहुत ज़्यादा लगेगा, 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर तो स्टील इसमें लग जाएगा, और का बहुत ज़्यादा रोजगार भी इसमें मिलने वाला है जैसे कि हमेशा मिलता है, ठीक। समुद्री खीरा या फिर सी ककंबर, इसकी पहले फ़ोटो दिखा दूँ ताकि आपको मज़ा आ जाए। देखिए यहाँ पे ये मतलब एक वो है, एक स्पेशीज़ है, ठीक है, खीरा समझ को खाना मत, काट लेता ही। और ये इसको अभी क्या हुआ है कि मुंबई में
इसकी लोग जो है वो कर रहे थे, तस्करी कर रहे थे, मुंबई में नहीं, ये तमिलनाडु में। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की जो टीम थी उन्होंने इसको मंडापम जो तमिलनाडु वहाँ से दो टन सी ककंबर जो कि एक बैंड मरीन स्पेसीज होता है, समुद्री प्रजाति होती है, उसको जो है सीज कर लिया है, ठीक। और इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसमें बोरे वोरे भर के ले जा रहे थे, 2000 किलो तक का था ये। मंडपम रामेश्वरम तमिलनाडु वहाँ पे इन्होंने सीज़ किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, इसको क्या है कि इंडिया से ये तमिलनाडु श्रीलंका इसको जो है रात के टाइम पे इंडिया इंटरनेशनल मेरी टाइम बाउंड्री लाइन के बाद में इसको जो है स्मगल करने की कोशिश करी जा रही थी, ठीक। सी ककंबर होता क्या है? ये एक पार्ट है, लार्जर एनिमल ग्रुप है इचिनोडर्म, जिसमें स्टार फिश आती है, सी अर्चन्स भी आते हैं, उसी का ही पार्ट क्या है आपका सी ककंबर है। यूपीएससी पीछे पूछ चुका है सी काऊ, सी ककंबर, सी जो है और हॉर्स, इस तरीके से क्वेश्चन। तो सी ककंबर ये होता है, स्टार फिश, सी अर्चन्स, सी ककंबर, ये सब इचिनोडर्म्स होते हैं, ठीक। और इसका शेप जो ककंबर जैसा होता है, इसके स्मॉल टेंटिकल्स लाइक 2 फीट होते हैं जो कि इसको घूम मतलब चलने में और खाने में दोनों में मदद करते हैं, ठीक। ये दुनिया में हर जगह पाया जाता है और ये जो समुद्र की तल पे रहता है, बेंथिक एरिया में रहता है। और लेकिन इसका जो लार्वा होता है, जब ये पनप बढ़ रहा बढ़ा रहा हो रहा होता है, तब ये प्लैंकटोनिक होता है, तो ये पानी की जो वेव्स है उसके साथ में, करंट्स है उसके साथ में फ्लोट करता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है जैसे कि ऊपर वाला दिखाया था, तब ये समुद्र के तल पे रहता है, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये वहाँ का एक तरीके गार्बेज कलेक्टर है, समझ रहे हो, गार्बेज कलेक्टर है अपना, जो है सफाई करता है सारी चीज़ें। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं, 1250 स्पेशीज़ हैं सी ककंबर की, और ये सब होलो थ्रोरॉयडाई, ठीक, इसके टैक्सोनॉमिक क्लास के होते हैं। ये एक तरीके के स्केवेंजर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, जो कि छोटे छोटे फूड आइटम जो बेंथिक जोन में सी फ्लोर पे होते हैं वहाँ पे, या फिर प्लैंकटन जो होते हैं ना वो अगर तैर रहे हैं वाटर कॉलम पे, उनको सबको भी खा लेता है ये, तो सफाई करता है। एल्गी शैवाल हो गया, जलीय इन्वर्टिब्रेट्स हो गए आपके, और आपके जो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, प्लास्टिक वेस्ट अपशिष्ट पार्टिकल है, ये सब इनके खाने का हिस्सा है। साथ ही साथ कोरल इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है, ठीक। कोरल इकोसिस्टम आपको मालूम है, कोरल पॉलिप होता है और जूज़ेंथले होता है, ठीक, जूज़ेंथले होता है। तो इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, ये दोनों एक दूसरे को जो है ये न्यूट्रिशन देता है, ये इनको जो रहने के लिए देता है, जगह देता है जूज़ेंथले को, तो इस तरीके से होता है। लेकिन इन सब के बीच में जो सी ककंबर है उसका क्या रोल है भैया? अब देखो, जो कोरल रीफ्स बनती हैं, वो रीफ्स बनती हैं आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक, और ये जो अपना सी ककंबर है ये अपना डाइजेशन करता रहता, खाना पीता खाता रहता, और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ता है, और वहीं कैल्शियम कार्बोनेट जो है रीफ में बनाने में भी कोरल रीफ्स को, कोरल पॉलिप्स को मदद करता है। इसलिए कोरल रीफ्स के सर्वाइवल के लिए सी ककंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो। तो ये एक तरीके से कितना ज़्यादा मतलब इंटीग्रेटेड है इकोसिस्टम हमारा, ये बताता है इसको। गार्बेज कलेक्टर है, रिसाइकल कर देता है न्यूट्रेंट को, और उसकी वजह से भी कोरल रीफ जो है गुड कंडीशन में रहते हैं। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखा जाए 1972 तो शेड्यूल 1 में आता है सी ककंबर। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, शेड्यूल 1 के जो भी प्रजातियां दी गई हैं उनके सबके बारे में ही पढ़ना है आपको। शेड्यूल 1 के क्वेश्चन आप लोग कहते हुए यार पता नहीं कहाँ पुल लिया, यहाँ से पूछता है वो। और जैसे ये शेड्यूल 1 का भी है और करंट अफेयर से भी है तो पूछ लेगा, ठीक। और तमिलनाडु श्रीलंका ये सब यहाँ पर जो है इसकी स्मगलिंग होती है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विष्णु ऑनिक्स। देखिए ये है, अभी रिसर्चर्स जो है आपकी यूनिवर्सिटी टूबिंजम और ज़ारागोज़ा, इन्होंने यहाँ पे जीवाश्म धूड़े हैं जो कि अभी तक स्पेशीज नहीं पता थी, विष्णु ऑनिक्स नेपच्यूनी का, मतलब का इसका मतलब होता है नेपच्यून का विष्णु, ठीक। अच्छा, ये कहाँ ढूंढा गया है? जर्मनी में ढूंढा गया है, ठीक। अभी तक जो विष्णु ऑनिक्स है उसके बारे में ये जाना जाता था कि वो एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है, तो अब ये जर्मनी में एक जगह पे पाया गया है इसके जीवाश्म। तो ये मतलब सोचा जा रहा है कि भैया ये 6000 किलोमीटर दूर और बीच में पानी भी नहीं है क्योंकि पानी में ट्रेवल कर पाता है,
तो ये कैसे इतनी दूर इसके जीवाश्म में मिल गए विष्णु ओनिक्स के? तो इन्होंने ये इसका अंकल लगाया कि मिलियन ईयर्स बिफोर, जब ये वाली पहाड़ जो है बीच में एल्स वेल्स पड़ते हैं वो नहीं होंगे, तब ये तब वहाँ पे पानी होगा, ठीक है। और जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए भी एक तरीके से ये थ्योरी के लिए भी एक तरीके से सपोर्ट करते रहा, ठीक, कि वहाँ की प्लेट टेक्टोनिक जब तक जो है आपस में कोलाइड नहीं करी तो जो है आपका माउंटेन नहीं बना बीच में, तब वहाँ पे पानी था तो पानी पे जो है अपना पानी के रास्ते ये वहाँ पर पहुँच गया होगा, इसीलिए वहाँ पर जर्मनी में भी इसके जीवाश्म मिले। समझ मारी बात? तो ये सब इंटरलिंकिंग होती है अगर आपने पढ़ रखा और जोड़ने की बस एक ये मतलब टेक्नोलॉजी या फिर मतलब तरीके से आदत डाली तो, ठीक है ना। और ये मैं आप बता रहा हूँ, प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस में अगर ये चीज़ आपने नहीं सीखी तो आंसर लिखने में, क्योंकि वहाँ पे इंटरकनेक्टेड वाले ही क्वेश्चन में पूछेगा, वो दो तीन टॉपिक को जोड़ के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसका पूरा मतलब नहीं समझ पाओगे तो कैसे आंसर लिखोगे, ठीक। तो यहाँ पे जर्मनी, तो इन्होंने आंकलन लगाया कि तभी ये इसीलिए पहुँचा होगा नेपच्यून विष्णु, वहाँ पे अभी इसके जीवाश्म पाए गए हैं आपके जर्मनी, ठीक। ब्रावेरिया फॉसिल साइट है, बावारिया जर्मनी, तो एरिया है हमरशिमडे, ठीक है। तो वहाँ पे 11.4 मिलियन ईयर ओल्ड स्ट्राटा से ये पाया गया है और इसको 50 साल तक जो है इसका शोध किया गया, उसके बाद पता चला कि अच्छा ये विष्णु ओनिक्स है, मिड साइज का प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर जो शिकारी होता है ये, और ये करीबन 10-15 किलो का होता था, एशिया अफ्रीका में पाया जाता था, लेकिन जो है ये अब जब इसके जीवाश्म मिले तो उसके लिए सोचा था भैया कैसे क्या होगा, तो 12.5 से 14 मिलियन ईयर्स जो है बीच में जो ऑटर्स होते हैं, विष्णु ओनिक्स उन्हीं का ही एक वो है, उसी में आता है प्रजाति में, ये एशिया सदर्न एशिया की मेजर रिवर्स में तो पाया जाता था, और इसके फॉसिल ऑफ दीज अब तो ये वाले एक्सटिंक्ट हो गए हैं ऑटर, ठीक है। तो पहली बार ये डिस्कवर किया गया था हिमालय के फुटहिल में, ठीक। अब इसके जो फॉसिल्स मिले हैं जर्मनी के, तो इन लोग को लगा कि भैया ये कैसे फर्स्ट डिस्कवरी जो है विष्णु ओनिक्स की जीनस की यूरोप में मिली है, ठीक। यूरोप में अभी तक कोई विष्णु ओनिक्स का जीनस का नहीं मिला था, विष्णु ओनिक्स डिपेंड करता है वाटर पे और कैसे इतनी दूर चला गया। तो यहाँ पे इन लोगों ने, शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि ट्रैवल किया होगा उसने तब जब 12 मिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि डेट तो उन्होंने निकाल ली ना कि जीवाश्म रेडियो डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए, तो जब एल्प्स नहीं फॉर्म हुए होंगे तो वर रिसेंटली फॉर्म, ठीक है, तो तब ये वहाँ पे उस समय चले गए होंगे। तो जो एल्प है और ईरान में एल्ब्रुस माउंटेन है, देखना जो कैस्पियन सी है, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, उसके जस्ट नीचे है, मैपिंग करिए प्लीज़, क्वेश्चन आएगा वहाँ से, वर सेपरेटेड बाई ए लार्ज ओशियन बेसिन, तो उसी में के थ्रू जो है ये वाले ऑटर्स विष्णु ओनिक्स पहुंच गया होगा। रिसर्चर्स जो है बिलीव करते हैं कि नेपच्यून विष्णु जो है पहली बार इसने रीच किया होगा सदर्न जर्मनी में, और उसके बाद फिर एशियन ग्वेंज और इवेंचुअली हमारे शिमेडेई में पहुंच गया होगा, ठीक। और आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन में जिसका नाम है कॉमन एग आईएस स्पीसीज। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें यह है स्टेबल कॉइन से कौन से सही है बताना। स्टेबल कॉइन कॉइन जो है एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी होता है, ठीक, और ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा कोई करेंसी जो चल रही है जिसको फिएट करेंसी भी बोलते हैं हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया भी कई बार, ठीक। तो मतलब फिएट करेंसी ये होती है कि उसकी खुद की, जैसे 2000 रुपये का नोट है, 2000 नोट अगर वैसे अगर गवर्नमेंट अलाउ ना करे तो क्या है, कागज़ है, तो उसकी खुद की कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू ना हो लेकिन लीगल टेंडर हो, गवर्नमेंट बोलता बोले उसको कि हाँ भैया 2000 रुपये माना जाएगा तो माना जाए, ऐसी करेंसी को फिएट करेंसी बोलते हैं, ठीक। अगर आपको कोई सोने सिक्का दे दे उस पर लिख दे 2000 रुपये तो क्या होगा, आप जाग बेच दोगे उसे, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए जो है फिएट करेंसी उसको बोलते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो इस तरीके की करेंसी है इन पे पैक कर देगा, तो ये स्टेबल कॉइन जो है ये एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा जो करेंसी है उनमें अब जैसे उनकी रेट बढ़ेगा, मान लीजिए $1 का रेट जो है 75 हो गया तो इसका भी 75 हो गया, ये कहना चाह रहा है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेबल कॉइन जो है यूज़फुल होते हैं और इसको आराम से आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो सीमलेसली इन क्रिप्टो करेंसी, और जैसे कि फंक्शन करता है बिटकॉइन वैसे ही कर सकते हो। पहला स्टेबल कॉइन 1990 में बनाया गया था, तब तो इतना कुछ था भी नहीं यार। तीसरा स्टेटमेंट है गलत, इसलिए आंसर हो जाएगा ए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2014 में ही बना है और ये पहले तीथर बोला जाता था, तीथर पहला स्टेबल कॉइन जो है 2014 में बनाया गया था जिसका नाम तीथर था, और
ये डजन बहुत सारे स्टेबल कॉइन इस समय हैं, दर्जनों पड़े हुए हैं। और ये गवर्नमेंट के द्वारा जो करेंसी होती है, लाइक जैसे यूरो हो गई, येन हो गई, उसकी जो वैल्यू चल रही है, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और जो प्राइस होती है स्टेबल कॉइन का, इसीलिए काफ़ी कम जो है वॉलेटाइल होती है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है। जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं भैया, हज़ारों डॉलर गिर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और ऐसे इसकी वजह से स्टेबल कॉइन जो है, ये एक तरीके से इसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी और जो ओल्ड वर्ल्ड मनी है यानी कि फिएट करेंसी है, उसके बीच का ब्रिज बोला जाता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन यही बना दे कि भैया ब्रिज कौन सा है क्रिप्टो करेंसी और ओल्ड वर्ल्ड फिएट करेंसी के बीच में, तो वो आपका स्टेबल कॉइन्स है। सोना की बात, अगर ये आपने नहीं पढ़ा होता तो ब्रिज और ये सब पूछता तो आपको बिल्कुल ही अनजान लगता है। इसीलिए ये है कि एक बार प्रीलिम्स निकालने के लिए एक बार तो पढ़ा होना जरूरी है, याद आ जाता है अगर इंटरलिंक करके पढ़ा है तो। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जनरल शेयरमैन संबंधित कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए, जनरल शेयरमैन जो है एक ट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा ट्री होता है, ये लार्जेस्ट होता है आपका पेड़ वॉल्यूम में, अगर इसको घनत्व में देखा जाए तो, ठीक है, आयतन में देखा जाए तो ये जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक, और ये पेरिस और फ्रांस में लोकेटेड है, एकदम गलत है, ये यूएसए में होता, देखा होगा आपने, कई बार पढ़ा भी होगा। तो दूसरा गलत होने की वजह से यहाँ पे ए बी और डी तो गलत हो गया, सी आंसर हो जाएगा। और ये ट्री जो है, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, उससे भी ऊंचे तक हो जाते हैं, 275 फीट। इंसान जैसे 6 फीट जैसे मेरी है, तो 6 फीट के आसपास मेरे जैसे कितने इसमें आ जाएंगे आप देखो। ठीक है, मतलब करीबन मेरे से 46 लोग खड़े करो मेरे ऊपर, तब जो है ये इतने ऊंचा मतलब ट्री होता है। और इसमें डायमीटर इसका जो है 36 फीट तक होता है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा, अब देखो समझ में आएगा कैसे। ऐसे ये देखो पिक्चर, ये देखो कितने छोटे डड्डू टाइप के लग रहे हैं लोग, और ये कितना बड़ा है ये पेड़ इसके बगल में। इसीलिए कहता हूँ कि पिक्चर जरूर देखा करो, गूगल में सर्च करो कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही, जैसे आप लोग कोई सर्च करो, उस पर लिखो यूपीएससी उसके आगे, और फिर उसको इमेजेस में आके सर्च कर लो। इमेजेस से देखने में, जैसे कहते हैं ना, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो ये वही चीज़ है, एकदम आपके दिमाग में याद आ जाएगा। बस उसको क्या रखना है, जनरल शेयरमैन है, ठीक, यूएसए में है, और उसका वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में सबसे ऊँचा है। ठीक, ऐसे कुछ कुछ मेन मेन चीज़ें तो आपको याद हो जाएंगी अगर आप जो है करना चाहो तो। और बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर है, कोई गला पकड़ के आपका नहीं दबाएगा वहाँ पर। सिंपल से आपकी जो कंपटीशन है आपके खुद से है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसी के साथ में आज का सेशन ख़त्म होता है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जोड़िए हमारे साथ, शेयर और सब्सक्राइब कराकर। ठीक, ये हमारे नंबर्स हैं, आप पेड ग्रुप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।